देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। बंदी का असर सड़कों पर कुछ ऐसा पड़ा कि सेलिब्रिटी भी पूर्णिया पहुंचने में कर गए देर। आज के वर्कशॉप का पहला दिन बीच मझधार में ही रह गया। बताते चले कि डांस टू स्टेप पूर्णिया के जलालगढ़ में 21 और 22 दिसंबर को होना था, जिसमें 21 दिसंबर और 22 दिसंबर की दोपहर को एक वर्कशॉप आयोजित होता जिसमें बच्चों को यहां पर डांस के हुनर सिखाए जाते, जिसके लिए मुंबई से सेलिब्रिटी डांसर आर्यन पात्रा का पूर्णिया आगमन होना था। आज बंदी का असर कुछ ऐसा रहा कि नेशनल हाईवे का 30 जाम रहा और दिन भर जाम में फंसे रह गए सेलिब्रिटी डांसर। उन्हें पूर्णिया पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, तब तक वर्कशॉप का पहला दिन बीत गया। ऐसे में अगले दिन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब खुद सुन लीजिए आर्यन पात्रा के इस सफर के बारे में, और वो बता रहे हैं कि कल का डांस प्रोग्राम अब कैसा होना है। तो बेसिकली मैं पूर्णिया आया हूँ क्योंकि मेरे 2 दिन का वर्कशॉप था और एक जजमेंट था, इवेंट था। तो आज बंदी थी यहाँ पे, तो उसके वजह से बहुत ट्रैफिक था और बहुत जगह हमारी कार रुकी भी, तो उसकी वजह से हम लोग आज का जो वर्कशॉप था वो नहीं ले पाए, बट हम लोग कल ज़रूर लेंगे वर्कशॉप और वो इवेंट भी होगा। अरे ये किस तरह का कंपटीशन है और यहाँ से बच्चों को कैसा प्लेटफॉर्म मिलेगा? सो बेसिकली डांस का कंपटीशन है, तो बेसिकली मैं जज करने वाला हूँ, तो फिर से बोलता हूँ। सो बेसिकली ये डांस का कंपटीशन है और मैं जज करने वाला हूँ, तो यहाँ पे कैटेगरीज रहेंगे, तो जो भी जिन कैटेगरीज में विनर रहेगा या सेकेंड होगा या थर्ड होगा, उनको मतलब जो बेस्ट 3 परफॉर्मेंसेज रहेंगे हर कैटेगरीज में से, उनको एक मोमेंटो दिया जाएगा या फिर उनको फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज दिया जाएगा। तो उस तरह से उनके मन में जो वो रहता है कि हम लोग शायद आगे कुछ अच्छा ना कर पाए, वो कम हो जाता है लोगों का, कि अगर वो यहाँ पे जीते तो उनको लगता है कि हाँ हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो उस तरह से उनका एक माइंडसेट ओपन हो जाता है और वो लोग ट्राई करते भी बाहर जाके कुछ अच्छा करने का। यहाँ की ऑडियंस कैसी लगती है आपको? मतलब मैं पिछले बार भी आया था तो बहुत ही अच्छा और वार्म वेलकम था, इस बार भी आया हूँ तो बहुत प्यारा सा वेलकम मिला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जितने भी लोग से अभी तक मिला हूँ सब बहुत अच्छे से मिलते हैं और बहुत प्यार देते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये आज आपका वर्कशॉप होना था वो डिले हो गया है, कारण क्या था और कल की तैयारियाँ कैसे चल रही हैं? आज की तैयारी बहुत ज़्यादा जोरों से थी और बच्चों में बहुत ज़्यादा जोश भी था आज के कार्यक्रम को लेकर, लेकिन सरकार का आदेश था कि आज बिहार को बंद करना है, जिस वजह से आज प्रोग्राम बाधित हुआ है, लेकिन बच्चों में उत्साह की कमी नहीं है। अब अगला कार्यक्रम जो है वो कल होना है। कल की तैयारियां पूरी हो चुकी है? जी, पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारे जो स्टेज का काम है वो हो चुका है, साउंड लाइट का काम हो चुका है। और ऑडियंस से कोई अपील करना चाहेंगे? जी कि सभी से मैं हाथ धोकर रिक्वेस्ट करता हूं कि कल की जो कार्यक्रम है प्लीज़ आप लोग आए, और आज जो कार्यक्रम बाधित हुई इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और कल के कार्यक्रम को वृहद पैमाने पर हम लोग कर रहे हैं। सुबह 9 से लेकर आपका 12-3 घंटे का वर्कशॉप होगा, उसके बाद 2 दिन से फिनाले आपका शुरू होगा। जगह कौन सी होगी? यह जगह जलालगढ़ में रुंगटा हाई स्कूल का स्टेडियम है, वहीं पर होगा।